रिंग क्लिंग चामुंडा है बच्चे। आज हम माँ चामुंडा की, माँ दुर्गा के, सभी नौ देवियों के एक बीज मंत्र के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि उसका जाप साधक को कैसे करना चाहिए ताकि उस मंत्र से मिलने वाली उचित ऊर्जा हमें प्राप्त हो और इस मंत्र से हमारा मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक उत्सर्जन हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र, जिसे हम नवारण मंत्र भी कहते हैं। नौ अक्षरों का होने के कारण इसे नवारण मंत्र बोलते हैं। नव का अर्थ है नौ, अण का अर्थ है अक्षर। यह मंत्र मार्कंडेय पुराण से लिया गया है, जिसे हम दुर्गा सप्तशती एक छोटी सी पुस्तक के रूप में जानते हैं। बंधु, अब हम जानते हैं क्या नवारण मंत्र में ओम लगाकर जाप करना चाहिए या नहीं, क्या नवारण मंत्र को चलते फिरते जपा जा सकता है या नहीं, क्या नवारण मंत्र के लगातार जाप से ऐसा होता है कि घर में नेगेटिव ऊर्जा बढ़ जाती है, नकारात्मक शक्तियां बढ़ जाती हैं, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, क्या ये बहम है, क्या ये सच है, ऐसा क्यों होता है, तो इसके ऊपर हम प्रकाश डालते हैं। नवारण मंत्र में ओम लगाकर जाप करने से मंत्र की उचित शक्ति का तत्व जहाँ भी होता है वह साधक को ऊर्जा प्रदान करता है। ओम लगाकर जाप करने से उस सकारात्मक ऊर्जा का एहसास जल्दी होना शुरू हो जाता है। यदि साधक बिना ओम लगाकर जाप करता है तो साधक को जल्दी अनुभव शुरू नहीं होता। साधक ओम लगाकर नवारण मंत्र का जाप करता है तो उसे बहुत तीक्ष्ण अनुभव होते हैं। नवारण मंत्र नव दुर्गा का मंत्र है, नवग्रह का मंत्र है, लेकिन या तो नवग्रह का मंत्र कहेंगे या नव दुर्गा का, लेकिन मैं आपको बताती हूँ नवारण मंत्र नौ अक्षरों का मंत्र है इसलिए इसे नवारण मंत्र कहते हैं। लेकिन यदि साधक इस मंत्र का लगातार नियमित समय पर जाप करता है, नियत समय पर जाप करता है, तो इससे नवग्रह अनुकूल होने लगते हैं, इसलिए इसे नवग्रह को कंट्रोल करने वाला मंत्र भी कहा जाता है। नवारण मंत्र माँ दुर्गा के नौ रूपों का बखान करता है। इसके बीच में नव दुर्गा की शक्ति निहित है। मूल प्रकृति का बीज मंत्र हो नवारण मंत्र होने के कारण माँ दुर्गा इससे बहुत प्रसन्न होती है और नवग्रह भी उस व्यक्ति के अनुकूल हो जाते हैं। जब साधक के अंदर माँ दुर्गा की शक्ति होती है तो वह आपके अनुरूप कार्य करने लगती है। इस मंत्र में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली की शक्ति विद्यमान रहती हैं। जातक को इन तीनों देवियों का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। इस मंत्र में तीन देवता भी सम्मिलित होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्तियाँ भी इस मंत्र में सम्मिलित होती हैं। अब हम जानते हैं कि नवारण मंत्र का क्या प्रभाव है और इसे कैसे जपा जाए, इसके जाप करने से क्या क्या लाभ होते हैं। इतना सब कुछ जानने के लिए वीडियो में अंत तक बना रहना होगा। नवारण मंत्र का पहला अक्षर ईम है, दूसरा अक्षर ह्रीं है, तीसरा अक्षर क्लिंग है, चौथा अक्षर चा है, पांचवा अक्षर मो है, छठा अक्षर डा है, सातवां ये है, आठवां वी है, नवा चे है। इस प्रकार मंत्र हो गया ईं ह्रीं क्लिं चामुंडाय विच्चे। ओम लगाकर यह मंत्र दसारण मंत्र बन जाता है। ओम प्रणव है जो परम ब्रह्म का सूचक है। बहुत पुराने समय में शक्त और शैव संप्रदाय के लोग इसे बिना ओम लगाए ही जपते थे, लेकिन वैष्णव लोग इसके साथ ओम लगाकर ही जपते हैं जब से ये नवारण से दसारण मंत्र हो गया। बिना ओम के यह मंत्र प्रचंड शक्तियां जागृत करता है। ओम लगाकर जाप करने से इसकी शक्तियां सौम्य हो जाती हैं। यदि बिना ओम लगाए नवारण मंत्र का जाप करें बहुत प्रचंड ऊर्जा जागृत होती है, जिसे सह पाना हर किसी साधक के बस में नहीं होता। ऐसी स्थिति में साधक के साथ अनुचित होने का खतरा बना रहता है, जबकि ओम लगाकर जाप करने से उचित प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है और साधक के साथ अनुचित होने का कोई खतरा नहीं रहता। इस महामंत्र का शुद्ध उच्चारण क्या है? कुछ लोग ईम बोलते हैं, कुछ लोग ह्रीम को ह्रीम बोलेंगे, कुछ ह्रीम बोलेंगे, कुछ हरीम बोलेंगे। ये शुद्ध उच्चारण नहीं है। मैं आपको इसका शुद्ध उच्चारण बताती हूँ। यदि आपको उच्चारण करने में संशय हो तो आप किसी गुरु की शरण लेना, किसी गुरु से जान के इस मंत्र का जाप करना, क्योंकि संशय करके कोई भी मंत्र
अच्छा फल नहीं देता। मैं आपको इसका शुद्ध उच्चारण बता रही हूँ, लेकिन आपको फिर भी संशय हो ना, आप किसी गुरु की शरण में जाकर ही इसका जाप करना, अन्यथा ना करें। ओम तो हम बोलेंगे क्योंकि सौम्यता आ जाती है परम ब्रह्म का सूचक है। इसको एम नहीं बोला जाता, इसे बोलते इंग, गा की आवाज़ आती है, इंग ह्रिंग क्लिंग, मतलब लास्ट में मान ही होता, गा बोलते ह्रिंग क्लिंग, क्योंकि जो क्लीम शब्द है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए यूज होता है और देवी का शब्द है क्लिंग। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये इसका शुद्ध उच्चारण है। ओम में परब्रह्म का सूचक है जिसमें चराचर जगत व्याप्त है। इंग शब्द वाणी ऐश्वर्य बुद्धि तथा ज्ञान की माता सरस्वती का बीज मंत्र है, इसके बीच से जातक विद्वान हो जाता है। वाणी का देवता अग्नि है, सूर्य भी अग्नि के तेज का रूप है, सूर्य से ही दृष्टि मिलती है, दृष्टि सत्य की पीठ है, यही परम ब्रह्म है। ह्रीं बीज मंत्र, यह ऐश्वर्य धन माया प्रदान करने वाली माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। इसका उदय आकाश से हुआ है, पीठ विशुद्ध में आयतन सहस्त्राकार में है, किंतु इसका उदय आकाश में होने पर भी इसका आयतन आज्ञा चक्र में रहता है। क्लिंग शब्द, यह शत्रुनाशक दुर्गति नाशिनी महाकाली का बीज मंत्र है। इसके बीज में पृथ्वी तत्व की प्रधानता सहित वायु तत्व विद्यमान है जो प्राणों का आधार है। चामुंडाई की प्रवृत्ति का अर्थ है चंड मुंड, यह दोनों काम और क्रोध के रूप में भी माने जाते हैं। इनकी संहारक देवी चामुंडा है, इसलिए जो स्वयं प्रकाश माने इसलिए बोला जाता है चामुंडाई। विच्चे का अर्थ होता है समर्पण या नमस्कार करना। इसी संपूर्ण मंत्र का ज्ञान हो गया। चराचर ब्रह्मांड चराचर जगत में व्याप्त ज्ञान की देवी और सभी ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी और मुझे शक्ति प्रदान करने वाली देवी और मेरे काम क्रोध का विनाश करने वाली देवी, मैं आपकी शरण में हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। हम जानते हैं कि नवर्ण मंत्र का जाप करने से साधक को क्या लाभ होते हैं, तो इसका पहला अक्षर माँ सरस्वती का है। जैसे ये हमारी शैक्षिक योग्यता में सुधार लाता है और परीक्षाओं में आसानी से पास होने में मदद मिलती है और व्यक्ति का अपने ऊपर आत्मविश्वास बढ़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों में भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। दूसरा अक्षर माँ लक्ष्मी जी का है, तो इस अक्षर के जाप से अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, दुख और गरीबी का नाश हो जाता है। तीसरा अक्षर माँ काली का होने के कारण हमारे शत्रुओं का दमन अपने आप हो जाता है और शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। कोई आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करे बैठा है, आप इसका जाप शुरू करना शुरू कर दो, वो अपने आप ही आपको प्रॉपर्टी छोड़ के भाग जाएगा। किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा भी आपको कोई हानि नहीं पहुँचा सकती। दुश्मन आपके अपने आप परास्त होने लग जाएंगे, दुश्मन दोस्त बन जाएंगे यदि आप इसका नियमित जाप करते हैं। तो इस मंत्र के जाप से स्त्रियों की गर्भाशय से जुड़ी हुई समस्या दूर होती हैं। गर्भवती महिला भी जपे तो उसे पराक्रमी धनवान संतान सुंदर संतान प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत बुरी अवस्था में है या कोई व्यक्ति बहुत टाइम से बीमार है, लाइलाज बीमारी से ग्रसित है या लकवा से ग्रसित है, तो इस मंत्र को एक नए जल में भरकर, चाहे तांबे के कलश में भर लें या स्टील के गिलास में भर लें, लेकिन वो नया हो, और 108 बार इस मंत्र का जाप करके उस व्यक्ति को पिला दे तो धीरे धीरे उसकी बीमारी दूर होने लग जाती है और बहुत जल्दी दवाइयाँ भी असर करती हैं। ऐसा इस मंत्र का प्रचंड प्रभाव है। स्त्री और पुरुष कोई भी इस मंत्र का जाप कर सकता है। शुरुआती तौर में इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए इसकी एक माला का नियमित 2-3 महीने तक जाप करें, फिर इसका जाप धीरे धीरे बढ़ा दें। यदि आप नवारण मंत्र से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कुंडली जागृत करना चाहते हैं और अपने 9 चक्रों को 8 चक्रों को जागृत करना चाहते हैं, तो इसका नवरात्रि में 1,25,000 मंत्र का अनुष्ठान करें, इससे सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रों में यह मंत्र जाप करना बहुत ही फलदायी होता है। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी, जगदात्री देवी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। बंधु, हम 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हैं ताकि आप इसका सही उच्चारण करना जान जाएं, क्योंकि मैंने देखा बहुत लोग इसका गलत उच्चारण कर रहे हैं। बहुत पुरानी लोगों के मैंने सुना हुआ है मुँह से कि गलत उच्चारण कर रहे हैं, उनका देखती हूँ ना बोलते हैं, मैं कहती हूँ कि यार गलत उच्चारण कर रहे हैं ये लोग, सही उच्चारण नहीं जानते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता की जरूर लिखें।